इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूटन की गति के जो समीकरण हैं उन समीकरणों को यहाँ पर हम कलन विधि कैलकुलस मेथड से यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो जो न्यूटन की गति के समीकरण हमने इससे पहले जब प्रूफ किए थे तो वो हमने ग्राफिकल विधि से वहाँ पर प्रूफ किए थे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलस मेथड से जो न्यूटन की गति के समीकरण हैं उन गति के समीकरणों को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि त्वरण की परिभाषा से जो न्यूटन की जो गति के समीकरण हम निकालते हैं वो एक समान हम ज्ञात करते हैं, जिसमें कि त्वरण जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन हमेशा एक समान रहता है। अब इनको कैलकुलस मेथड से सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो त्वरण की जो परिभाषा होगी वो होती है ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, अर्थात जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो जो एक्सेलरेशन जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इसका मतलब ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू ए डी टी। फिर इस समीकरण का हम दोनों तरफ इंटीग्रल करते हैं, यहाँ पर हम जो लिमिट लेंगे और लिमिट लेंगे वो लिमिट हम ले सकते हैं एट टी, जब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो हम जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि टाइम टी के पश्चात यदि हम देखें तो एट टाइम टी पर जो वेलोसिटी होगी वो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ये हम लिमिट ले लेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर फिर हम समाकलन करते हैं इस इक्वेशन का। तो समाकलन करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन आती है। समाकलन करने के बाद में ये इक्वेशन हमें प्राप्त होती है डी वी इक्वल टू ए डी टी, और हमने इसमें लिमिट लगा दी, वेलोसिटी की लिमिट लगा दी यू से वी, और एक्सेलरेशन जो त्वरण की यहाँ पर टाइम की हमने लिमिट लगा दी जीरो टू टी। फिर इसका हम जब इंटीग्रल करते हैं तो ए को हम यहाँ पर बाहर लेते हैं, क्योंकि जो ए है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर हमने त्वरण को समान माना है, अर्थात जो त्वरण है वो नियत होगा। फिर इसका एक्सेलरेशन करने के बाद में हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देन वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें प्राप्त होती हैं। यह है जो कि एक समान त्वरित गति की प्रथम समीकरण है। ये जो इक्वेशन है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक समान त्वरण के लिए गति की प्रथम समीकरण कहलाती है। इसी प्रकार अब हम न्यूटन की गति की जो दूसरी समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए न्यूटन की गति की दूसरी समीकरण भी हम इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेफिनेशन लगाएंगे वेलोसिटी की। अभी हमने त्वरण की परिभाषा लगाई थी ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, लेकिन अब यहाँ पर हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है डी एक्स अपॉन डी टी, अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इक्वल टू डी टी, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, जी हमने लिख लिया। उसके बाद में हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है डी एक्स इक्वल टू वी डी टी, और यहाँ पर हम वी की वैल्यू रख देते हैं न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन से, गति के पहले समीकरण से हम वी की वैल्यू यहाँ पर यू प्लस ए टी रख देते हैं। उसके बाद में हमारे पास इक्वेशन आती है डी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन हमारे पास आती है। फिर से हम यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, और लिमिट हम ले लेते हैं टी इक्वल टू ज़ीरो एंड देन एक्स इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन टी इक्वल टू टी एंड देन एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की लिमिट और टाइम टी की लिमिट लगा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिट आएगी एक्स की वो आएगी ज़ीरो टू एक्स, और जो टाइम की लिमिट आएगी वो आएगी ज़ीरो टू टी। उसके बाद में
करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है x माइनस जीरो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है। हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन हमारे पास आती है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये है न्यूटन्स सेकेंड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन। यह है गति के एक समान त्वरित गति के लिए गति का द्वितीय समीकरण है। यह एक समान त्वरण गति के लिए गति का यह दूसरा समीकरण कहलाता है। अब इसी प्रकार से हम गति का तीसरा समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो गति का तीसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए हम फिर से त्वरण की परिभाषा को यूज़ में लेते हैं और हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वो होता है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। और डी वी अपॉन डी टी को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स एंड मल्टीप्लीकेशन डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट होने के बाद में हमारे पास फिर से डी वी अपॉन डी टी शेष रहता है। इसका मतलब एस्केलरेशन त्वरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो त्वरण को हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह हम वेलोसिटी वी रख सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी वी रख देंगे तो ए इक्वल टू हमारे पास आएगा वी डी वी ओवर डी एक्स। फिर हमारे पास ये इक्वेशन आती है वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। और ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का हम फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो उक्त समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन पूर्व में दी गई सीमाओं में करने पर हम वही लिमिट यूज़ करते हैं जो हमने अब से पहले जो लिमिट यूज़ की थी वही लिमिट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की। तो फिर चलिए आगे देखते हैं हम इसको। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन ए डी एक्स। और यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी की लिमिट लगाई है वो इनिशियल वेलोसिटी यू ली है और फाइनल वेलोसिटी वी है। इसी प्रकार से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो माना है और फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट माना है वो एक्स माना है। सो इसका मतलब वेलोसिटी की जो लिमिट होगी वो यू से लेकर वी होगी और जो डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिट होगी वो ज़ीरो से एक्स होगी। इसका हाँ इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है वन बाई टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस ज़ीरो। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में हमारे पास ये इक्वेशन आती है यू स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ये वी स्क्वायर है यहाँ पर वी स्क्वायर इजल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। और ये हमारे पास न्यूटन की तीसरी समीकरण प्राप्त होती हैं जो कि न्यूटन की तीसरी गति की समीकरण कहलाती हैं। यह एक समान त्वरित गति का तृतीय समीकरण है। सो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। इस प्रकार की जो एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें।